वेलकम टू न्यू हिंदी फिल्म हम सब है अतरंगी का मुहूर्त फिल्म के सभी स्टार कास्ट की मौजूदगी में संपन्न हुआ। साथ ही गाने की रिकॉर्डिंग भी दी गई। फिल्म में सुनील पाल के साथ सभी अतरंगी का धमाल नजर आएगा। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है मनोज शर्मा। घटना होती है वहाँ मैं मौजूद रहता हूँ और इत्तेफाक से ये अतरंगी घटना फिल्म के लिए हो रही है, जिसको हमारे मनोज शर्मा जी बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर, बहुत ही बड़े दिल के एकदम खुशनुमा इंसान और बहुत ही हंसते हंसते काम करा रहे, तो इनकी कॉमेडी का सेंस भी अच्छा है और ख़ुद भी हंसी मिजाज है, तो इनकी फिल्म अतरंगी में मुझे एक पार्ट करने का मौका मिल रहा है। तो आई एम वेरी लकी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे चांस दिया। अतरंगी है लेकिन इसमें ये फिल्म की कहानी जो है सतरंगी होगी, इसमें हर रंग आपको दिखाई देगा। एक्शन भी है, इमोशन भी है, डांस भी है, रोमांस भी है, मतलब हर तरह का रंग आपको, फाइट वाइट सब भाई डायरेक्टर जो करवा ले, क्योंकि हम तो डायरेक्टर कह सकते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप होता है, हमारा गुरु होता है, शिक्षक होता है, परीक्षक होता है, प्रशिक्षक होता है, निरीक्षक होता है, पर उसको हम पे जब शक होता है तो फिर कुछ नहीं कराता उससे। हाँ नहीं, पर ये तो बहुत अच्छे कॉमेडियन है ना, जो लाफ्टर कॉमेडी जो पहला है वो सुनील भाई ने जीता था, तो फिल्म मेरी उसी सुर से शुरू होती है। तो ये अतरंगियों का सिनेमा है जिसमें सबसे बड़े अतरंग वो 2 घंटे तक बांध के रखेगा मेरा सिनेमा और डराएगा भी। एक हॉरर कॉमेडी फिल्म का बड़ा सब लोगों को तड़का अच्छा लगता है। हाँ, बहुत दिन से ये जॉनर आया भी नहीं, आफ्टर भूल भुलैया। हाँ, तो मैंने कोशिश की है इस हम सब अतरंगी में मेरे जो सारे अच्छे कलाकार हैं, सुनील पाल जी हैं, हेमंत पांडे, हिमानी जी, काफ़ी सारे मजे मजे हुए कलाकार हैं मेरी, ये सब अतरंगी टीम है मेरी, तो ये डराएगी भी और बहुत हंसाएगी भी। धमाल करते हैं तो बैकड्रॉप में चलेगा हम सब हैं अतरंगी। एक कॉमेडी फिल्म का जो सुर समझते हैं बस वही कॉमेडी फिल्म है, जो म्यूजिक भी हंसा सकता है और एक बहुत अच्छा रोमांटिक भी है। प्रवीण भारद्वाज जो जिनका नाम है वो मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रवीण भारद्वाज, काफ़ी फिल्में की उन्होंने। बस ये समझ लीजिए कि प्रवीण भारद्वाज इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं कि उनके विशाल भारद्वाज भी फैन हैं उनके। काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म से हैं, मिस्टर ब्रजेंद्र काला, हेमंत पांडे, हिमानी शिवपुरी, गोपी बल्ला जी, राजकुमार कनौजिया, इसके जो मेन लीड हैं अर्श देओल और गीता बिस्ट, मतलब एक अच्छी अतरंगी टीम है हमारी। और अभी म्यूजिक भी आप जैसे सुन रहे हैं, ये भी प्रवीण जी ने बहुत धमाल किया है, तो मुझे लग रहा है कि अतरंगी ये हम सब है वाकई सर। हम मुहूर्त कर रहे हैं फिल्म हम सब है अतरंगी का और डायरेक्टर हैं हमारे मनोज शर्मा जी और इसमें सुनील पाल जी, हेमंत पांडे जी, सब बड़े अच्छे एक्टर हैं और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत फनी सब्जेक्ट है। आज हम टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे हैं यूवी की आवाज़ में, तो हम चाहते हैं ज़्यादा ना बोलते हुए पहले टाइटल ट्रैक एक बार गुनगुना देते हैं आपको। दुनिया बेरंगी, दुनिया बेढंगी, दुनिया बेरंगी, दुनिया बेढंगी, रंग बदल जाए, हाँ ढंग बदल जाए, जो हम जैसे हो साथी संगी, हम सब हैं अतरंगी, हम सब हैं अतरंगी, हम सब हैं अतरंगी, हम सब हैं अतरंगी। ये टाइटल ट्रैक आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारे मनोज जी के और यूवी के कॉम्बिनेशन में अभी एक और अच्छी फिल्म आने वाली है झुंझुना, जिसमें कृष्णा जी हीरो हैं, मुग्धा गोडसे हैं, तो उसका भी टाइटल ट्रैक यूवी ने गाया है, वो भी गाना बहुत जल्दी आ जाएगा, तो हमारे कॉम्बिनेशन के काफ़ी। और ये जो फिल्म हम कर रहे हैं जिसका नाम है हम सब है अतरंगी, मैं उसकी हीरोइन हूँ। मेरा नाम है अर्श देओल और मैं मनोज जी की पहले एक फिल्म कर चुका हूँ बिन फेरे फ्री में तेरे। और अतरंगी मतलब जैसे सर ने बताया, मनोज जी ने बताया कि जिस तरह का टाइटल अतरंगी, मतलब बिंदास लोग हैं सब इस फिल्म में, तो सब अपने अपने सुर में गाना जोड़ रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग लगे पड़े अपने अपने। लविंग किस्म की लड़की हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है मस्ती करने में, प्रैंक्स करने में, और यू नो आई बिलीव इन जस्ट यू नो लिविंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ, तो इसलिए मुझे, मैं मस्ती खोर हूँ और मुझे मस्ती बहुत पसंद है। दिस कैरेक्टर हैज़ लॉट्स ऑफ शेड्स, लेयर्स जो हम बोलते हैं कि एक कैरेक्टर में बहुत सारे लेयरिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, सिचुएशंस बहुत फ़नी हैं फिल्म की, जैसे फिल्म का नाम ही है हम सब हैं अतरंगी, और उसी तरह से कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन आई एम श्योर जब आप इन कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर देखेंगे तो आप इन सब कैरेक्टर से रिलेट करेंगे और इनकी सिचुएशन से रिलेट करेंगे और इनकी सिचुएशंस को इन्जॉय ज़रूर करें निभाने को। श्योर कि ऑडियंस को पसंद आएगा, इसमें काफ़ी शेड्स हैं करने के लिए, जैसे कि फिल्म का नाम है अतरंगी इश्क, हम सब हैं अतरंगी, तो मैं इनका एक हम एक पेयर प्ले कर रहे हैं, अतरंगी पेयर कर रहे हैं, तो सिंह मैं हूँ आशी, फुल नेम आशी सिंह। मनोज जी के साथ मेरी ये थर्ड मूवी है,
बट मैं खुद ही ऐसी अतरंगी टाइप की लड़की हूँ, तो मज़ा आएगा मुझे करके कि बड़ी शैतानियाँ, जितनी अतरंगापन होता है वो सब ऐसा लगता है मेरे अतरंगा ऐसे उछल उछल के बाहर आने वाला है अभी। हमारा एसोसिएशन पुराना है, हमारा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर का रिलेशन नहीं है इनकी। मैंने अभी ये लॉलीपॉप और प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक जो भी लेटेस्ट पिक्चर थी वो भी मैंने ऑल ओवर इंडिया रिलीज करी है उनकी, और उनका काम देखा हुआ है। तो दोस्त उनकी नॉट ओनली कि थिएटर से अच्छी रिकवरी आती है, बाकी सैटेलाइट लेके, डिजिटल लेके और सभी, और जिस हिसाब से और जिस लेवल से ये पिक्चर बनाते हैं, चाहे उसमें बड़े बड़े स्टार कास्ट बड़ी नहीं हो, लेकिन जिस लेवल से ये पिक्चर बनती है उनकी काफ़ी डिमांड रहती है।